नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ, क्योंकि जो अच्छी न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ेगा और ग्लोबल जो मार्केट है उसके ऊपर भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो अपनी अच्छी न्यूज़ है वो है बिटकॉइन के बारे में। सभी साउथ कोरिया ने बिटकॉइन को लीगलाइज घोषित कर दिया है इंटरनेशनली। अगर आप साउथ कोरिया में हैं तो बिटकॉइन सेल को आप बाइंग, सेलिंग, विड्रा, डिपॉजिट सब कुछ आप साउथ कोरिया में कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी साउथ कोरिया ने डिक्लेयर कर दिया है साउथ कोरिया लीगलाइज बिटकॉइन इंटरनेशनल ट्रांसफर चैलेंजिंग ट्रेडिशनल बैंक्स। ठीक है, तो आप वहाँ के जो बैंक्स हैं वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन की, अगर आप साउथ कोरिया में रहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, जैसे ही साउथ कोरिया ने बिटकॉइन को लीगल घोषित किया है, ये 2 दिन पहले की न्यूज है, उस टाइम बिटकॉइन का जो रेट था वो 2600 के आसपास था, और अभी ये जो फ्लक्चुएशन चल रहा है बिटकॉइन के प्राइस में, जैसे ही साउथ कोरिया ने घोषित कर दिया है, तो बिटकॉइन का जो बाइंग वॉल्यूम है और सेलिंग वॉल्यूम है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। 2825 के आसपास चल रहा है, $2975 के आसपास चला गया था। ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन होता रहेगा और इसका रेट आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये कुछ कंट्री दिखा रहा हूँ जिसमें बिटकॉइन को लीगल घोषित कर रखा है और वहाँ पे आप बिटकॉइन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, रिपब्लिक डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सोलवे, हांगकॉन्ग, इंडिया। इंडिया में अभी बिटकॉइन आप यूज़ कर सकते हैं, इलीगल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कमेटी बैठा रखी है। तो बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया। जो भी कमेटी बैठी हुई है अभी वो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं बिटकॉइन के ऊपर, इसको लीगलाइज किया जाए कैसे, क्या क्या कंडीशंस रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो भी इसके ट्रेडर्स हैं यूजर्स हैं उनको। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको एक अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी, बिटकॉइन को इंडिया में लीगलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इंडोनेशिया, इजराइल, मलेशिया, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, न्यूजीलैंड। तो ये 26 कंट्रीज हैं जहाँ पर बिटकॉइन आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर बैन नहीं है, और मैक्सिमम्स कंट्री में बिटकॉइन को उनके गवर्नमेंट ने लीगलाइज घोषित कर रखा है, एज़ पर न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही जल्दी इंडिया में भी बिटकॉइन हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी करंट अपडेट्स हैं बिटकॉइन से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।